तो गाइस, तो आगे की वीडियो तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम उस टेंपल के पास पहुंच गए थे, बट वहां की कुछ क्लिप्स नहीं हुई रिकॉर्ड, तो इसलिए सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखा करूंगा। बट तो अभी मैं वो बुक लेके आ गया हूं और आपको दिखा भी दूंगा। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिसमें हमको इमॉर्टल बनने का राज दे रखा है, और इसके अंदर अभी हमने हमारे दोनों प्लेयर को बुला लिया है। और आपको अगर राहुल की बात करें, राहुल और हृदय के बीच में लड़ाई हुई थी जिसके कारण हृदय ने राहुल को मार दिया, और क्योंकि इन तो बाद में हमने इन दोनों की सलाह करी और हृदय ने मेरे को एक ये बात बताई कि उसने उसको बैन कर दिया है, तो इस कारण राहुल तो अब खेल नहीं पाएगा हमारी इस असेंबली में। बट उसके लिए थैंक यू, क्योंकि उसने हमको ये हमारी असेंबली का राज बताया। तो मैं इनको बुक दिखाता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज, अब आप इस बुक में पढ़ सकते हो, तो ये सब इस बुक में लिखा है, और अभी मैंने इन दोनों को दिखा दिया है, बस अभी हृदय ब्लेस बाकी है क्योंकि वो बीच में लीव हो गया था। तो मैंने दिव्यांशु गेमिंग को तो दिखा दिया ये बुक, और वो भी शौक है, और अब हृदय ब्लेस को भी ये बुक दिखा देते हैं और इस इन कोऑर्डिनेट्स पर हम चलते हैं। तो अभी ये देख लेता है कि अगर ये गेट दी है मैंने बुक, तो अभी पढ़ लेता है। तो पढ़ने के बाद रिप्लाई देखते हैं इसका। तो गाइस, हृदय प्लेस भी शॉक्ड है, तो इस बार में तो हमने अभी उसने मैंने उसको बुक दी थी और उसने हमको कोऑर्डिनेट्स बताए हैं -12 और +34। तो हम वहाँ पर चलते हैं फटाफट, हमारे स्पॉन के आसपास ही था, तभी मैंने इनको स्पॉन पे बुला लिया ताकि हमको लंबा असेंबली से चक्कर मार के ना आना पड़े। और इनको हम लिख देते हैं टोटम डाल लो, और तो आई थिंक अगर जितना मेरा माइंड कह रहा है कि आई थिंक सो टोटम का ट्रैप वहाँ हो सकता है, तो इसलिए हम टोटम तो हटा देंगे। टोटम हटाना, टोटम तो डाल के रखेंगे, हटाना नहीं है, टोटम का भी ट्रैप नहीं होता अभी तक। हम सारे टोटम डाल देते हैं और हम फटाफट चलते हैं माइनस, चलो ये भी ज्वाइन हो गया, ये पता नहीं बार बार लीव हो रहे थे ड्यू टू सिग्नल प्रॉब्लम। तो फटाफट अब ये -12 -34, हमको सीधा सीधा एक राहुल को सबसे बड़ा थैंक्स है कि उसने हमको ये बात बता दी कि हमारी असेंबली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नहीं तो हम पता नहीं इस असेंबली में इमॉर्टल बन ही सकते थे। इमॉर्टल बनने के लिए उसने जितना हमको बताया है, तो हमको जाना है इस साइड -12 -12, चलना भाई, चल तो रानी अगला -12, हाँ जी आगे जाना है। 12 -12 तो है, आगे बस 34 करना है। ये आगे, ये कैसी गुफा है, यहाँ तो मैं खुद नहीं गया, और इतने मैं एक बार यहाँ पे कोल वोल माइन करने आया था, मेरे को तो फिर भी नहीं जगह दिखी थी। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर, वाटर बटेट लगा कर चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं क्या है। हृदय तो नीचे भी चला गया, चलो मैं भी जरा चलता हूँ नीचे। है इतनी बड़ी केव, ये कैसी जगह है, स्पेसिफिक सी जगह है, पार्कोर दे रखा था, वाह क्या नूबड़ा है वो, उसको क्या पता, हमारे पास दिमाग बहुत है। तो इसके लिए नाइट विजन का पोशन ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे पार्कोर, ये क्या था, पार्कोर ही नहीं हुआ, सर्वर लैग गाइस, नहीं तो मैं बहुत प्रो हूँ। चलो दिव्यांशु को अब हम भेजते हैं ये वाला ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमको, क्योंकि मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। चल दिव्यांशु आगे जा, दिव्यांशु गया आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। उसको हम बोल देते हैं कि तो इन्हीं ब्लॉक के अंदर है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे 3 ब्लॉक ऐसे हैं और 4 ब्लॉक ऐसे हैं, तो इट मीन्स हमको इसी रेडियस में खड़े होकर करना है,
अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम जरा खड़ा करवा, जरा मैं खड़ा करवा देता हूँ, नहीं तो हम सारे बैन भी हो सकते हैं। ऐसा मेरे को राहुल ने बताया था। एक वहाँ पर कुछ एक ऐसा वो भी होगा ट्रैप सा, कि अगर आपने उस हिसाब से नहीं खड़े हुए तो आपका कुछ भी हो सकता है। जब मैं इसको खड़ा करवा देता हूँ ताकि ये इधर उधर ढुले ना और हम सारे बैन ना हो जाए। चलो देखते हैं ये क्या था, ट्रैप, ये क्या हुआ, ये लावा का ट्रैप, वाह हाउ, कैसे हो सकता है ये लावा का ट्रैप है क्या? लेफ्ट तो मरा भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से बैन हो गया है। जैसा राहुल ने बताया था कि कुछ भी अगर गलत ब्लॉक पे अगर खड़े होगे, बटन दबाओगे तो बैन हो जाओगे, ये तो बैन भी हो गया अगला, ये क्या था? वैसे तो बहुत बड़ी तंगी है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, चेस्ट में बोट, तो बोट के साथ चलो हम जरा चलते हैं। चलो बैठ गए हैं, चलो चलते हैं। ये लावा इसलिए लगाया था। चलो गए, यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है तो हम इसी के अंदर चलते हैं। मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी के अंदर चलते हैं। जैसे अपने नाम के अंदर जा रहा है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। तो गाइस प्रो लोग तो इसको पार करेंगे प्रो तरीके से, बट लेजेंड लोग पानी लगाकर इसको बुझा देंगे। तो गाइस तो हम ऐसे पानी लगाते लगाते आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा आगे हमारा आता है, जो भी बना रखे इस बंदे ने हमारी असेंबली में, बट कौन हो सकता है ये बंदा, देखते हैं। तो ये आ गई है डोर मेज, ये डोर मेज तो बड़ी बेकार बनाई है इसने, तो देखते हैं इसने क्या करा है यहाँ पे। ये यहाँ पे रास्ता तो जा रहा है और इधर यहाँ तक पहुँच गया है। व्हाट, आर्म इतनी आसानी से मिल भी गया? तो यहाँ पर इतना सारा सामान, 14 गोल्डन एप्पल, शल्कर बॉक्स, आई कांट बिलीव गाइस, शल्कर बॉक्स भी दिया इसने। तो गाइस ऊपर आपने देखा कि ऊपर एंडर चेस्ट लगी हुई है, इस बंदे के अंदर दिमाग तो है। तो फटाफट हम ये सारे ब्लॉक वगैरह एंडर चेस्ट में रख देते हैं और थोड़े हार्ट भी रख देंगे ताकि अगर कभी वॉर में काम आएंगे इस हमारा, थोड़े हार्ट्स वर्ड्स हम ले लेते हैं, बाकी सारे गेट देते हैं इसके अंदर भी डालने हैं। इसके अंदर हमने 4 हर्ट्स अभी रख दिए हैं, इसको तोड़ देंगे और हर्ट्स आधे ज़्यादा गेन कर लेते हैं। तो ये सारे हर्ट्स भी ले लेंगे अभी, बाकी सारे हमने उसमें रख देंगे। प्रोटेक्शन 9 एंड अनब्रेकिंग 8 7 है गाइस, मैं तो गाइस बन गया हूँ। बाकी हृदय से भी पूछ लेंगे कि उसके पास क्या कौन सा आर्मर आया है। आई थिंक सो मेरे पास प्रो वाला आर्मर ही आया होगा क्योंकि हमने ही तो बनना है। तो ये फटाफट हम ये सारा आर्मर वगैरह रख देते हैं और उसको बताएंगे नहीं, और हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास आया है प्रोटेक्शन 4 का आर्मर और बहुत सारे हर्ट्स, तो उससे पूछेंगे उसके पास कौन सा आर्क है। तो ये उठाया और ये यहाँ पे एंडर चेस्ट इसमें रख दिया, बस चलो वापस। तो गाइस मैं बाहर तो आ गया हूँ, बट तो मैंने हृदय को भी बता दिया कि मेरे पास प्रोटेक्शन 4 का आर्मर मिला है और बहुत सारे हर्ट्स मिले हैं। मैंने उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं बताया और उसको हमने बुलाया बुद्धू। तो इस कारण से हमको यह पता चलता है हम हृदय प्लेस बुद्धू है और यहाँ पे हमको मिल गया ये, और हम 2 पोशंस ले लेते हैं और अभी हम चलते हैं यहाँ आगे। यहाँ पे अभी हम ऊपर जाने के लिए, तो पहले गाइस कितनी बढ़िया केव है और आप देख सकते हो
वाह, ये क्या था? यू हैव लॉस्ट योर ऑल हर्ट्स एंड हैव बीन एलिमिनेटेड।